विधानसभा चुनाव 2023 जयपुर जिले की अगर 19 विधानसभा क्षेत्रों के लिए बात करें तो 3 दिसंबर को मतगणना होगी और तैयारियों को अंतिम रूप देने में जिला निर्वाचन कार्यालय जुटा हुआ है। 29 नवंबर को दिया जाएगा रिटर्निंग अधिकारियों को प्रशिक्षण, 30 नवंबर को मतगणना के लिए कर्मचारियों को प्रशिक्षण मिलेगा। HCM, रीपा, BF बिरला ऑडिटोरियम और इंदिरा गांधी पंचायती राज संस्थान में ये प्रशिक्षण दिया जाएगा कर्मचारियों को। 2000 कर्मचारियों को ये प्रशिक्षण दिया जाएगा। मतगणना के दौरान उपस्थित रहने वाले प्रतिनिधियों को भी प्रशिक्षण मिलेगा। राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को भी प्रशिक्षण मिलेगा, तो उस दिन कोई त्रुटि ना हो, कहीं कोई दिक्कत ना आए। इसके लिए जरूरी होता है कि जब आपको कोई जिम्मेदारी दी जाए तो उसके बारे में आपको जानकारी हो, पूरी तरह से आप प्रशिक्षित हो, और यही कोशिश यहां पर की जा रही है। बता दें आपको, विधानसभा चुनाव 2023 मतदान संपन्न हुआ लेकिन मतगणना की तैयारियां जोरों पर है। विधानसभा क्षेत्रों के लिए 3 दिसंबर को मतगणना होगी, तैयारियों को ही अंतिम रूप दिया जा रहा है। जिला निर्वाचन कार्यालय इसे अंतिम रूप देने में जुटा हुआ है। 29 नवंबर को बता दें रिटर्निंग अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया जाएगा, वहीं 30 नवंबर को मतगणना के लिए कर्मचारियों को प्रशिक्षण मिलेगा। HCM, रीपा, BM बिरला ऑडिटोरियम और इंदिरा गांधी पंचायती राज संस्थान में इन कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। 2000 कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया जाएगा मतगणना को लेकर। इस दौरान जो उपस्थित रहने वाले प्रतिनिधि हैं उन्हें भी प्रशिक्षित किया जाएगा, यानी उन्हें भी इसे लेकर प्रशिक्षण दिया जाएगा। राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को भी प्रशिक्षण मिलेगा, तो तैयारियों को अंतिम रूप यहां पर दिया जा रहा है। और जहां काउंटिंग को लेकर तैयारियां हैं, तो दूसरी तरफ अहम यह है कि जो कर्मचारियों के ऊपर जिम्मेदारी होगी काउंटिंग की, वो भी प्रशिक्षित रहें। और मतगणना के दौरान उपस्थित रहने वाले जो प्रतिनिधि हैं, राजनीतिक दलों के जो प्रतिनिधि हैं, उन्हें भी प्रशिक्षण मिलेगा, ताकि जब काउंटिंग हो 3 दिसंबर को तो किसी तरह की कोई गलती ना हो, कोई त्रुटि ना हो, किसी तरह की कोई अड़चन ना है। चलिए जयपुर से सहयोगी विनोद हमारे साथ जुड़ गए। विनोद, वोटिंग तो संपन्न हो गई सफलतापूर्वक, लेकिन अब एक बड़ा चैलेंज है कह सकते हैं काउंटिंग के दिन का, और काउंटिंग को लेकर भी तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। प्रशिक्षण को लेकर पूरी जानकारी आपसे चाहेंगे कि किस तरह से कर्मचारी को प्रशिक्षित किया जाएगा, उसे लेकर क्या तैयारियां की गई हैं। देखिए, मैं आपको बड़ी बात ये बता दूं कि जिस तरीके से कॉमर्स कॉलेज और राजस्थान कॉलेज में पुलिस की ट्रेनिंग अब तक चल रही है, यानी शिकंजा कचा जा चुका है, बिल्कुल चाक चौबंद व्यवस्था है, लेकिन रोज सुबह 11 बजे मीटिंग हो रही है और उसमें तय किया जाता है कि आज सुरक्षा में क्या लैप्स रहेगा और सुरक्षा किस तरीके से कड़ी करनी है। इसी तरीके से कल ट्रेनिंग सेशन शुरू होगा, 2000 कर्मचारियों को ट्रेनिंग दी जाएगी कि मतगणना के दौरान आपको क्या करना है, क्या सावधानियां बरतनी है, कहाँ पोलिंग एजेंट बैठेगा, कहाँ जो प्रत्याशी है खड़ा रह सकता है, मीडिया कितनी दूर रहेगी, आपको किस तरीके से हर एक घंटे में परिणाम तैयार करना है, कैसे अनाउंस करना है, किस दीवार पे लिखना है और क्या लिखना है, ये सारी देखिए प्रशिक्षण का एक प्रारूप तय हो गया है। और इसी तरीके से कल प्रशिक्षण दिया जाएगा, हर एक को बार बार ये समझाया जाएगा कि मतगणना के दौरान आपका काम क्या है, आपको कहाँ बैठना है, किस तरीके से आपके काम को निष्पादित करना है। तो एक बड़ी जिम्मेदारी कल रहेगी, परसों भी 2000 को प्रशिक्षण दिया जाएगा, तो देखिए कि अगले 2-3 दिन में प्रशिक्षण का कार्यक्रम चलेगा और राजनीतिक दलों के जो एजेंट है उनको भी प्रशिक्षण दिया जाएगा, ताकि मतगणना के दौरान वो किसी प्रकार का विरोध नहीं जाहिर कर सके। क्या होता है, देखिए कई बार अनभिज्ञता के चलते या जानकारी कम रहने के चलते कोई बड़ी छोटी बात भी बड़ी हो जाती है और विरोध जाहिर किया जाता है, तो ऐसे में सभी को ट्रेनिंग दे करके ये तय किया जाएगा कि आपको पता चल गया है कि मतगणना के दौरान हमें ये सब चीजें देखनी है, इन सब चीजों का ध्यान रखना है, ये सुविधा, ये सावधानी बरतनी है। तो इस लिहाज से अगले 3 दिन काफी महत्वपूर्ण है, ताकि देखिए 3 दिसंबर को मतगणना सुबह 8 बजे शुरू होगी, उसके बाद इस प्रकार की कोई परेशानी नहीं रहे, उसे देखते हुए 3 दिन तक प्रशिक्षण दिया जाएगा और सारी चीजों को समझाया जाएगा कि आप बेहतर तरीके से आदर्श आचार संहिता के बीच मतगणना को संपन्न करा सके। जी बिल्कुल, चलिए बहुत शुक्रिया विनोद आपका इस पूरी जानकारी के लिए।